बिस्मिल्लाह रहमान रहीम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बी फ्लोरसाशी की डिटेल देखने जा रहे हैं जिसका केमिकल फार्मूला है सैचरोमाइसिस बुलार्डी। मेरे पास एक यीस्ट है जो फ्रेंच के एक रिसर्चर ने डिस्कवर करके दिया है। ये बायोथेरापीटिक एजेंट है, मींस इसको हम ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसका फर्स्ट देखें या यूज़ क्या है, ये इंटेस्टाइन के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उसको किल कर देता है। सेकेंड है इसका स्टिमुलेट द लोकल इम्यूनिटी, कि एक जगह की जो कुव्वत मुदाफ़त है उसको बढ़ा देता है। और थर्ड है प्रमोट द वाटर रीअब्सॉर्प्शन इन कोलन, कोलन से वाटर जज्ब होता है, ब्लड में जाता है। ठीक है, जब डायरिया वगैरह हो उस केसेस में रीअब्सॉर्प्शन कम हो रही होती है तो ये रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। तो तीन पॉइंट्स इसको पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिखे गए हैं। माइक्रोबियल एंटागोनिस्ट है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। एंटी टॉक्सिन एक्टिविटी है, जहाँ टॉक्सिन जाके बाइंड करता है ना उसी जगह को इनहिबिट करता है, बाइंडिंग साइट को। ठीक है, बाइंडिंग साइट पे रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ के इनहिबिशन करवा देता है, ये फिर टॉक्सिन वहाँ जाके इनहिबिट नहीं हो पाते। और एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, लाइक जैसे डाइसेचराइड्स लिखे हुए तो इनकी प्रोडक्शन बढ़ा देता है। अगर इंडिकेशन के अंदर आए कौन कौन से डायरिया में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन स्पेसिफिक डायरिया। ओके, तो डायरिया के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। डोज कितनी देनी है, 1 से 2 साशे गिवन वंस और ट्वाइस डेली, यानी कि एक टाइम आप 1 से 2 साशे दे सकते हैं दिन में 1 से 2 मरतबा। यूज़ कैसे करना है इसको, पानी में इसको डाल के इसको मिक्स कर लें, या किसी भी सेमी लिक्विड चीज़ हो या उसमें मिक्स करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी निगल सकते हैं। ओके, और इसकी एहतियात क्या है कि आपने इसको ज़्यादा ठंडे और ज़्यादा गर्म चीज़ में इसको इस्तेमाल नहीं करना, चाहे वो पानी है, चाहे वो कोई फूड है, चाहे वो लिक्विड है। और किस मेडिसिन के साथ इस्तेमाल नहीं करना, इंटरेक्शन है इसकी एंटी फंगल एजेंट। अगर पेशेंट एंटी फंगल मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है उसके साथ आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उसके साथ इंटरेक्शन कर जाएगी। और कंट्राइंडिकेशन क्या है कि किन को नहीं हम दे सकते, ठीक है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक हुआ हुआ हो और उसके जीआई वॉल यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर सुराख हो, परफोरेशन हुई भी हो। इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, बहुत कम है। एपिगैस्ट्रिक डिस्टर्ब हो सकती है, अगर एपिगैस्ट्रिक डिस्टर्ब हो जाए तो आपने इस मेडिसिन को डिसकंटिन्यू नहीं करना। कहने का मतलब है कि आपके पास एक काफ़ी यूज़फुल यीस्ट है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कुछ यीस्ट हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं और कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो उसमें से एक हमें ये फ्रेंच साइंटिस्ट ने रिसर्च करके डिस्कवर करके हमें ये बताई है। ठीक है, थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।